तो यहां पे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा के हम टोटल के अकॉर्डिंग इसको बोल्ड और अंडरलाइन करना चाहते हैं, ताकि हमें दूर से देखने में पता चल जाए कि ये टोटल्स है, एमआरपी और क्वांटिटी हर प्रोडक्ट का ये टोटल्स है, ये मुझे पता चल जाए। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम एक सिंगल सेल को कर्सर रखेंगे और चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में। ध्यान रखिएगा सिंगल सेल सिलेक्ट होना चाहिए। तो सिंगल सेल सिलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहां हमारे पास है यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन, और यहां पे जो हमारी जो क्वांटिटीज है इसको सिलेक्ट करेंगे, या फिर मैनुअली हम टाइप भी कर सकते हैं B2, बट यहां मैनुअली टाइप नहीं करते। और इसमें डॉलर साइन आएगा, तो डॉलर साइन में जो रो का डॉलर है वो डिलीट कर दे, कॉलम रहने दे, क्योंकि कॉलम B हमारा फिक्स है पर रो फिक्स नहीं है, क्योंकि इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो रो हमारा चेंज होगा बट कॉलम फिक्स है। तो यहां हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू टोटल, टोटल। फिर यहां हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे, और यहां फॉर्मेट सेल में आने के बाद हम क्या करेंगे, बॉर्डर में हम ए वाली बॉर्डर लेके यहां नीचे कर अंडरलाइन कर देते हैं, देन फॉन्ट में हम यहां पे बोल्ड कर देते हैं, कोई और कलर चाहिए तो मान लीजिए हम यहां पे ए वाली कलर दे देते हैं और बोल्ड कर देते हैं, साइज बढ़ाना है तो साइज हम इसकी 12 कर देते हैं, नहीं साइज नहीं बढ़ा सकते, माफ कीजिएगा साइज कंडीशन फॉर्मेटिंग से नहीं बढ़ती है, और इसको हम जस्ट ओके कर देते हैं, देन यहां हम ओके करेंगे और यहां पे कर्सर रखेंगे, फॉर्मेट पेंटर को लेंगे और बाकी जो आपकी डेटा है उसके नीचे इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है सर। अब इसमें नीचे वाला ऑप्शन नहीं आया क्योंकि यहाँ पे इसके हमने सिलेक्शन नहीं किया था इस कारण से, तो इसको कॉपी मैनुअली कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो देखा हमने घंटों हुए काम को कैसे सेकेंडों में कर दिया हमारे इस एग्जाम्पल से।